नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कर्क राशि वालों। दोस्तों, साईं बाबा ने दे दिए संकेत, अब आपके स्वर्ग सिधारने का समय आ गया। यानी दोस्तों, आपके किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं और आपके स्वर्ग जाने के रास्ते मिलने वाले हैं। भगवान साईं राम के आशीर्वाद से आपके जीवन में अब बड़े चमत्कार होंगे। आपके जीवन से जुड़ी सभी परेशानियों का अंत होगा और हर क्षेत्र में आपको नए शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगी। क्योंकि दोस्तों, यश में आपको प्रत्येक क्षेत्र में कुछ नया सीखने को मिलेंगे, नई कार्यें आपके हाथ में आएंगी और वह कार्यों में आप अच्छी सफलता भी प्राप्त करने वाले हैं, जिससे दोस्तों आपके जीवन में अनेकों प्रकार के हर्षोल्लास का जीवन आएगा। जैसे कि घर परिवार में अभी आपका नाम होगा, सभी लोग समाज में आपका मान सम्मान करने वाले हैं, आपकी तरक्की देखकर दुश्मन भी आपसे यश में सलाह लेने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर कहें तो समय जो होंगी, ग्रहों की जो चाल होंगी, आपकी राशि के लिए बहुत ही लाभप्रद रहने वाली है। बशर्ते दोस्तों, आपको सावधान भी रहना होगा, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ग्रहों की अशुभ स्थिति भी बनेगी, जहाँ पर आपको बस छोटी सी सावधानी को रखनी होगी और आपके जीवन में यथासंभव खुशियाँ आने वाली है। तो दोस्तों, ऐसे में आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जाने की कि अश्विनी अंतराल में आपको कौन से छोटे क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से बड़े कार्य आपके बनने वाले हैं, किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, भगवान साईं राम के आशीर्वाद से आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होंगी, कौन से सुधार होने वाले हैं, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम साईं राम लिखिएगा, गुरु जी का भगवान साईं राम का सदैव आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से किसी के साथ चल रहे खराब संबंधों में यश में सुधार आएगा। घर के सुख सुविधाओं संबंधी कार्यों में भी आपका विशेष यशमय योगदान रहेगा। इस उपरांत दोस्तों, यशमय आर्थिक स्थिति भी उचित बनी रहेगी। भविष्य संबंधी निवेश करने के लिए यह जो समय होगा आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। साथ ही इसमें सावधानी की अगर बात करें तो दोस्तों, इसमें संतान से संबंधित कुछ कार्यों में खर्चों की अधिकता रहेगी। अपने भावुकता जैसे स्वभाव पर नियंत्रण रखें, अन्यथा कुछ लोग आपका इसमें गलत फायदा भी उठा सकते हैं। दोस्तों, इसमें दोपहर बाद ग्रह स्थितियाँ आपके लिए कुछ विपरीत रहेंगी तथा मन में कुछ नकारात्मक विचार भी आपको परेशान कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, आपके लिए समय होंगे दोस्तों, इसमें कुछ सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं के प्रति आपका जो योगदान होगा, समाज में आपको एक नई पहचान देगा। दोस्तों, किसी पारिवारिक मुद्दे में आपकी जो उपस्थिति होगी, विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगी। यश में परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन भी आ रहा है, इसका उचित सदुपयोग करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसको पाया दोस्तों, यश में ध्यान रखें कि किसी नजदीकी रिश्तेदार की वजह से धन की हानि होना संभव होगा। लेन देन करते समय लापरवाही ना बरतें। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की भी जरूरत होगी। यश में किसी भी यात्रा को करने के लिए जो समय होंगे, उचित समय नहीं होंगे, इसलिए दोस्तों यश में यात्रा को स्थगित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसको पाया दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपका अधिकतर समय अपने व्यक्तित्व को और अधिक बेहतर तरीके से बनाने में व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को भी शिक्षा के अनुरूप ही कोई नौकरी मिलने से चिंता दूर होगी। धर्म कर्म तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपकी यश में रुचि रहेगी। इसको पाया दोस्तों, यह समय धन के लेन देन समय कोई नुकसान होने की स्थिति भी बन रही है, जिनकी वजह से तनाव और चिड़चिड़ापन जैसा थोड़ा सा माहौल भी रहेगा। दोस्तों, आपकी अधिकारपूर्ण वाणी दूसरों को नाराज कर सकती है, अपने स्वभाव को सहज और नरम बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसको पाया दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे दोस्तों, परिवार के साथ घर की साज सज्जा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में अच्छा समय व्यतीत होगा। सभी सदस्यों के बीच हास प्रयास तथा मनोरंजन भरा वातावरण बना रहेगा। दोस्तों, यह समय आप परिवार तथा व्यवसाय के बीच बेहतरीन तालमेल बनाकर भी रखेंगे। व्यस्तता के बावजूद यह समय सभी कार्य सही तरीके से भी यह समय पूरे होंगे, जिससे दोस्तों आपका मन भी यह समय प्रसन्न रहेगा। इसको पाया दोस्तों, यह समय अपने विरोधियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज ना करें। आप जो है किसी षड्यंत्र या फिर गलतफहमी के शिकार भी यह समय हो सकते हैं। किसी रिश्तेदार या फिर मित्र के भी कुछ कहासुनी हो सकती है, इनकी वजह से दोस्तों मन थोड़ा सा व्यतीत रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई से संबंधित कुछ मुश्किलों का सामना भी यश में करना पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों यश में आपको सफलता भी प्राप्त होगी, जिससे आपका मन भी मोटिवेटेड होते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, यश में आपके व्यवसाय को लेकर बात करें अर्थात आपके करियर की, तो दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, व्यवसाय में धन संबंधी मामलों तथा योजनाओं को किसी कार्य रूप देने के लिए जो समय होंगे, उचित समय होंगे।
परंतु दोस्तों व्यवस्था बनाए रखने में बहुत अधिक सावधानी रखने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि दोस्तों स्टाफ के बीच कोई राजनीति चल सकती है। यश में राज की सफलता और फिर सुगमता से प्रसन्न आप होते जाएंगे। इसको बयान दोस्तों यश समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे। दोस्तों कोई भी नया काम शुरू करना यश में ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों यश में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय गलत होने की वजह से आपको नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों बेहतर होगा कि वर्तमान परिस्थितियों पर ही अपना ध्यान दें, तथा नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी काम की अधिकता की वजह से ओवर टाइम भी यश में करना पड़ सकता है। इसको उपरांत दोस्तों आपके करियर के लिए जो समय होंगे यश में कार्य क्षेत्र में आय के संसाधनों में वृद्धि होगी, परंतु शादी खर्चे भी बढ़ेंगे। दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि किसी नजदीकी मित्र की सलाह से आपको कोई रुका हुआ कार्य भी यश में संपन्न हो सकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए कुछ ट्रांसफर संबंधी योग भी बन रहे हैं, जिनमें दोस्तों आपको तरक्की यश में संभव है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों यह समय अपने व्यवसाय में सिर्फ वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें, किसी भी नई योजना पर काम शुरू करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों व्यवसाय की दृष्टि से अभी गलत स्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं है। दोस्तों नौकरी पेशे व्यक्तियों पर यश में अपने उच्च अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे। दोस्तों घर में अनुशासित तथा व्यवस्थित माहौल बना रहेगा। पति पत्नी के आपसी संबंधों में कुछ तकरार भी उत्पन्न हो सकते हैं, अर्थात दोस्तों यह समय आप अपने जो है धर्म पत्नी या फिर जीवन साथी से बात करते समय अपने वाणी पर संयम रखें, ये आपके लव लाइफ के लिए यह समय बेहतर रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों परिवार में खुशी भरा माहौल रहेगा, परंतु ध्यान रखिए कि भारी संबंध आपके लिए आपके परिवार में सुख शांति में बाधा डाल सकता है। दोस्तों किसी बाहरी व्यक्ति को अपने परिवार के समक्ष हस्तक्षेप करने ना दें, ये आपके लव लाइफ के लिए यश में बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। दोस्तों आर्थिक परेशानियों को लेकर पति पत्नी के बीच थोड़ा सा तनाव भी रहेगा, बेहतर होगा कि आपस में बैठकर समस्या का हल निकालें, ये आपके लव लाइफ के लिए बेहतर होंगे और आप इनसे दोस्तों समस्या का हल भी यश में निकाल पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि घर का माहौल यश में अर्थात पूर्ण खुशनुमा और व्यवस्थित बना रहेगा। युवा वर्ग अपने प्रेम संबंधों को लेकर गंभीर और ईमानदार रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी हेल्थ को लेकर बात करें, तो दोस्तों शारीरिक और मानसिक थकान की वजह से तनाव और थोड़ी सी कमजोरी भी आपके ऊपर हावी रह सकती है। कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में भी समय को लगाएं तथा प्रकृति के निकट भी अपने समय को व्यतीत करें। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे, तो इन पर आप जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों आपके स्वास्थ्य के लिए समय जो समय होंगे, मानसिक तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर व फिर डायबिटीज की समस्या बढ़ सकती है। मेडिटेशन तथा योगा आपके लिए इसमें उचित इलाज होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दूषित पानी व फिर खान पान की वजह से पेट संबंधी दिक्कतें भी उत्पन्न हो सकती है। दिनचर्या को सीमित बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों अत्यधिक काम की वजह से पैरों में जो है आपका थकान व फिर सूजन की समस्या रह सकती है, इसलिए दोस्तों काम के साथ साथ आराम भी लेना आपके स्वास्थ्य के लिए यह समय अति आवश्यक होंगे। तो दोस्तों इनका आप जरूर ध्यान रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे।